अपडेट सहित मुनि वेदिता आरंभ करबा बुलेटिन प्रथमे हेडलाइंस आजि संपन्न हेबा उत्तर प्रदेश रो पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को शेषकृत्य बुलंद शहर रो नारुरा गंगा कुरे थिबा श्मशान घाट को न्यायजीव पार्थिव शरीर शोभायात्रा रे शामिल हेबे केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समेत वरिष्ठ बीजेपी नेता तालिबान रो मिशन पंसीर घाटी दखल पाई पठाइला 100 रु अधिक सेना हेले सेपटे 300 तालिबानी को हत्या करितबा पंसीर रो दाबी लड़े पाई प्रस्तुत अछंती 10,000 सेना कोरोना को नहीं नीति आयोग को सतर्क बाणी आहुरी सांघातिक परिस्थिति पाई प्रस्तुत होगा को पड़ी देश में आगो को दिन रे सामना को आसी पारे 4-5 लाख मामला आसंता वर्ष सुधा 2 लाख आईसीयू बेड प्रस्तुत रखा परामर्श सेवायत पुरीवासियों पर आज सर्वसाधारण को मिल जगा दर्शन कोविड कटक श्रीजी को दर्शन करेंगे भक्त सका 7 संध्या 7 जाए दर्शन समय धार्य कोविड नेगेटिव रिपोर्ट किंवा 2 डोज टीकाकरण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक बीजेडी छात्र नेता विरोध में सांघातिक अभियोग युवक को ब्लेड मारी रक्तात कले ढेंकानाल बीजेडी छात्र नेता आक्रमण में 6 इंच गभीर क्षत पुलिस लगानी हत्या उद्यम दफा आदिवासी जमी उपरे कंपानी लोलुप दृष्टि खड़ी संप्रसारण नारे जमी हड़प योजना कंपानी मालिकों सामिल सरकारी अधिकारी दलाल साची आदिवासी को बांटुंट टंका दिनक आरंभ हो टोकियो पाराओलंपिक उद्घाटन उत्सव में भाग ने भारत 5 खिलाड़ी सहित 6 अधिकारी चलित थर टोकियो पाराओलंपिक्स खेलें 54 जणिया भारतीय टीम ओडिया बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत प्रदर्शन रजर एवं यूट्यूब रोजगार संवाद सेवा खाल खमारे भर्ती निज गाँ माटी रास्ता को मरामती कर चर्चे संबलपुर आदिवासी युवक इशाक मुंडा पारंपरिक व्यंजन उपरे वीडियो बनाई पाई प्रधानमंत्री मोदी प्रशंसा आज बुलंदशहर जिलार नारोरा गंगाकूर में अनुषित होगा उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह शेषकृत्य केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता शेषकृत्य में सामिल होने सूचना रही सका 9:00 आलीगढ़ स्थित अहल्याबाई होलकर स्टाडियम स्वर्गत कल्याण सिंह पार्थिव शरीर एक शोभायात्रा से पैतृक ग्राम उत्तर इली को बाट दे बुलंदशहर जिलार नारोरा गंगाकूल को मृतदेह को अपराह 3:00 समय नारोरा गंगाकूल राजघाट श्मशान में स्वर्गत कल्याण सिंह शेषकृत्य संपन्न होबोली जणापड़ी एक कार्यक्रम में केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोगदेवे जमापड़ी अंतर उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ बीजेपी नेत्री उमा भारती प्रमुख जोग देवार कार्यक्रम रही शनिवार राति 99 वर्ष बयस लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई हस्पिटाल कल्याण सिंह परलोक घटी तबे कल्याण सिंह देहांत पर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में 3 दिनिया शोक घोषणा करने 23 अगस्त को छुट्टी घोषणा कर कोरोना संक्रमण तृतीय लहर नहीं आशंका प्रकाश कर नीति आयोग कही आहरी सांघातिक परिस्थिति पर आमको प्रस्तुत रहा दिन को 4-5 लाख कोरोना मामला सामना को आसवा पर आयोग अनुमान यह करे आसंता मस सुधा 2 लाख आईसीयू बेड प्रस्तुत करवा उचित बोली आयोग कही भेन्टिलेटर सह 1.2 लाख आईसीयू बेड 7 लाख बिना आईसीयू हस्पिटाल बेड और 10 लाख कोविड आइसोलेशन केयर बेड प्रस्तुत होगा सहित को उचित बोली आयोग कही नीति आयोग सदस्य वीके पाल गत मास रे कोरोना मुकाबला नहीं सरकार को किसी टिप्स देते।
तालिबान रो मिशन पंसीर एबे घाटी दखल करबा को पंसीर अभिमुखे 100 रु अधिक तालिबानी सेना सेबटे 300 जण को हत्या करितबा दाबी कला पंसीर आत्मसमर्पण करबा को राजी नुवती अहमद मसूद एपरिकी तालिबान को कड़ा जवाब मिलबो बोली चेतावनी दैछंती मसूद से कहिछंती जे निजो अंचल को तालिबान नियंत्रण को आसीबा को दिया जिबनी तालिबानी शक्ति आगरे से मुंडा नुआईबिनी बोली कहिछंती तबे सूचना अनुसार तालिबान सह लड़बा को प्राय 10,000 सेना अपेक्षा करिछि वर्तमान सुधा अफगानिस्तान रो 34 राज्य रो 33 को कब्जा को नै सारिछि तालिबान तबे अफगानिस्तान रो सबटु छोटो अंचल तालिबान पाइ सबटु बड़ चैलेंज होइछि सेवात पुरीवासी आज सर्वसाधारण खोल श्रीमंदिर कोरोना कटक मानी से जो मान दर्शन करुंट श्रद्धा कोरोना द्वितीय लहर पर दीर्घ चारिमास बंद रही पुरी श्रीमंदिर तेज गत अगस्ट 16 श्रीमंदिर खोलता बेले पर्यायक्रमे सेवात पुरीवासी आज सर्वसाधारण मंदिर प्रवेश को अनुमति मिली समस्ते कोविड कटक मानि श्रीजीव दर्शन करने नहीं श्रीमंदिर व्यवस्था करे कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी दर्शन 96 घंटार कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट किंवा दुई डोज टीकाकरण सर्टिफिकेट बाध्यतामूलक श्रीमंदिर भितर कटक बलबत्तर कर श्रीमंदिर भितरक फूल तुलसी भोग प्रवेश श्रीमंदिर प्रसाद सेवन बारण लग जा आलोक आशुतोष आम पुरी प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी सदाशोक पुरी ताजा चित्र देखा आलोक दीर्घ दिन पर जितेबाला आज मंदिर खोलू विशेषकर जो भक्त मैंने रही जो मैंने भगवान दीर्घ दिन धरी वंचित रही थे माँ प्रभु को दर्शन केते उत्साह देखुं माहौल केमती रही पुरीर निवेदिता माहौल पूरापूरी जगन्नाथमय रही माहौल पूरापूरी भक्तिमय रही श्रृंखलित भाव में सिंहद्वार प्रवेश करने वर्तमान उत्तर द्वार दे भक्त श्रद्धालु मैंने प्रस्थान करूरापूरी दृश्य आम देखा चाहूँ निवेदिता समुदाय श्रृंखलित व्यवस्थापी पखापाखि जे अपडेट सूचना आसी पहुँची 12 प्लाटून पुलिस फोर्स बर्तमान मुतयन कराई श्रीमंदिर भितर गोटे सेक्टर पतित पावन अंचल आउ गोटे सेक्टर एवं आम कहीपर पूरी बड़दाण्ड में कि जोठू स्टार्टिंग ब्यारिकेडिंग व्यवस्था से गोटे सेक्टर व्यवस्था कराई आप देखुंत केते संख्यार श्रद्धा मैंने निश्चित भाव में भक्त श्रद्धा मन में बेस उत्साह महाप्रभु को दर्शन करें आम आलोचना करें आम सहित किसी भक्त अच्छे केत खुशी दीर्घ मस पर महाप्रभु को दर्शन खुशी आम जिते थोड़े आईसु ये वर्षा बहुत खुशी दर्शन होचे शांति श्रृंखला रही है और श्रेष्ठ दर्शन हो प्रभु बड़ कथ हो चारिमास पर दर्शन कले महाप्रभु को पाखक गले आखिर दुटा बा लुह तो निश्चय भाव में होती कारण महाप्रभु को दर्शन कले व्यवस्था प्रशासन बहुत व्यवस्था करते कोटी गाइडलाइन मानि नियम हिसाब से सब शांति श्रृंखला हिसाब से ठीक आमको दर्शन शुखिला भोग नौ हाँ भोग व्यवस्था आज्ञा केमती है सर बहुत भल था सर जय जगन्नाथ निवेदिता प्रतिक्रिया शुणुते कि आम गोटे निरा दृश्य देखा चाहिए निवेदिता आप जानते जो फीडबैक सेंटर कराई अर्थात जो भक्त श्रद्धा मैंने महाप्रभुं दर्शन करापर से मतामत ने किभली भाव में श्रृंखलित दर्शन कले फीडबैक सेंटर आधार में दर्शन व्यवस्था त्रुटि विच्युति को परिलक्षित कर आहरी कौन त्रुटि विच्युति रही जाइए से ही अनुसार मार्जित होश्चित भाव में भक्त श्रद्धा मन में निवेदिता अहेतुक उत्साह दीर्घ मस पर महाप्रभुं दर्शन कर सीधा साल दृश्य देखुं जो उत्तर द्वार सम्मुखें जो बाटे भक्त श्रद्धा मैंने प्रस्थान करती गोटे फीडबैक सेंटर कराई भक्त श्रद्धा मैंने निज निजर मतामत देते कि श्रृंखलित दर्शन कले दर्शन कैसा हुआ बहुत अच्छा बहुत अच्छा महाप्रभु जी के दर्शन हुआ कितने खुश है मन में महाप्रभु जी का देखकर बहुत खुश है बहुत मतलब फीडबैक यहाँ क्या देंगे कैसे व्यवस्था है क्या कैसे फीडबैक देंगे सब इसमें लिख दिया अभी बहुत अच्छा निश्चित आम चेष्टा कर महिला प्रतिक्रिया ना मौसमी केमती व्यवस्था होती है आपड़ा एत दिन पर दर्शन कर हाथ में महाप्रभु का धरचान हाँ दर्शन तो बहुत भल भाव दर्शन कलु बहुत दिन आशा आज पूरण है लगला दर्शन कलापर जमी लगला मु जीवन में जोटा हर से भी पाई आज सका सका आसला जगन्नाथ धंडा भी मत मिलला सौभाग्य महाप्रभु जिनस से बहुत खुशी व्यवस्था दर्शन व्यवस्था आज भितर केमती रही है केमी सामाजिक दूरत्व केमी कटक सब मानुंट भक्त मैंने ना आगे आसला बेल जमीक आम पेला पेली मानते लोक मैंने सब धक्का दे
आज किंतु पूरा भल दर्शन होगा आज्ञा महाप्रभु रत्न सिंहासन चारिमास पर देखिले महाप्रभु तो मुख मंडल पूरा सुखी गला भाया लगुं महाप्रभु आउ देखला पर भल लगला आखि छल छल हो गला सत्य जमी माने महाप्रभु कथा आलापर आम सांगे लगला निवेदिता प्रत्यक्ष ठाकुर होती श्री जगन्नाथ महाप्रभु पूरा पूरी दृश्य आउ थे आम देखा चाहिए मैं अगणित दर्शक मान को निश्चित भाव में प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था कर निश्चित भाव में समस्त भक्त सदैव स्वागत कर श्रीमंदिर सिंहद्वार प्रवेश कर उत्तर द्वार प्रस्थान कर कोविड कटक मानी जो प्रशासन द्वारा जो एसओपी जारी कर 96 घंटा भितर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट नचे टीकार दुईट डोज नहीं प्रमाणपत्र को समस्त सांगे देखा निश्चित भाव में समस्त भक्त सदैव बेस उत्साह उद्दीपना रही महाप्रभु को दर्शन कर आखि छल छल हो समस्त गोटे कामना से गोटे प्रार्थना महाप्रभु निकट में निवेदिता रही यथाशीघ्र कोविड हटि जाऊ स्थित स्वाभाविक हो समस्ते पुनर्व श्रीमंदिर हसी उठू निश्चित भाव में कि गुरुत्वपूर्ण कथ हो निवेदिता श्रीमंदिर सहित जड़ित अंगांगी भाव जो श्रीमंदिर सहित अंगांगी भाव जड़ित जो उठा दोकानी हूँ बलिता दोकानी हूँ क्षुद्र व्यवसायी हूँ से आज बेस खुशी दीर्घ मास पर जेहेतु सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो राज्य भितर तथा राज्य बाहर भक्त साधारण मैंने आईसा रोजगार करें गोटे परम सौभाग्य निश्चित भाव में आशा करवा श्रृंखलित भाव में भक्त मैंने महाप्रभु को दर्शन करेंगे निश्चित भाव में जहाँ आकलन कराखापाखि 50,000 भक्त साधारण किभली भाव में महाप्रभु को दर्शन करेंगे से नहीं व्यापक व्यवस्था कराई कि समय पूर्व श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक श्रीमंदिर भितर को जाते डॉक्टर किशन कुमार पूरा स्थित अनुधान करते सी प्रतिक्रिया रखिंट समस्त मुहर में मास्क परिधान कर हासल फ्री दर्शन चली बाधा बिना बाधा विघ्न सबकि दर्शन चलते निश्चित भाव में कहीपर समय जिते बढ़ी चलू भक्त लंबा लाइन लगुच भक्त मैंने महाप्रभु को रत्न सिंहासन दर्शन कर निवेदिता आत्मविभोर हो पड़ते निवेदिता भाव में आत्मविर्भर हो पड़ते भक्तिमय परेश सृष्टि पूरा आध्यात्मिक परेश सृष्टि पूरी में श्रृंखलित भाव भक्त मैंने आसुच्च महाप्रभु को दर्शन कर फेर बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आशुतोष आम पूरी प्रतिनिधि आमको सीधा सड़क पूरी ताजा चित्र देखा आज राजधानी में खोलुच्छे समस्त धर्मानुष्ठान लिंगराज मंदिर को छाड़ अन्य समस्त मंदिर और धर्मानुष्ठान खोलिबा को अनुमति देछि बीएमसी कोरोना कटकणा मध्य प्रवेश सह दर्शन करने को विज्ञप्ति प्रकाश पाई तेज कौन मंदिर गर्भगृह को प्रवेश भक्त को सुजोग मिलना एक निर्धारित स्थान में ढड़ा हो दर्शन करें भक्त से मंदिर भितर को भोग ने बारण कर चिन्मय साहू आम रिपोर्टर आम सहित सीधासख जोड़ी राम मंदिर परिसर में अच्छा आम रिपोर्टर चिन्मय साहू चिन्मय लिंगराज मंदिर को छाड़ीदे के आउ सब धर्मानुष्ठान खोलुच्छे आयाती भाव में ये खुशीर कथा दीर्घ दिन धरी सबकि बंद बाला नि भक्त भगवान मध्य गोटे विच्छेद देखा मिलता निहत भाव में निवेदिता जी कह बहुत दिन प्रतीक्षा पाखापाखि 4 मास पर आज राजधानी समस्त मंदिर खोलुच्छी केवल लिंगराज मंदिर को छाड़ी और समस्त मंदिर खोलुच्छी आपको देखा चाहिए मुझे अच्छी भुवनेश्वर राम मंदिर जी राम मंदिर खोली जहाँ कोविड गाइडलाइन रही 20 जन भक्त आसी दर्शन करेंगे कि सकार स्थित जहाँ गोटे गोटे लोक आसम दर्शन करके श्रृंखलित भाव में जाऊँगी जदि कह कोविड गाइडलाइन अनुसार जो मैंने डबल डोज नहीं केवल मंदिर भितर को आसीपारे और भगवान दर्शन करें आज राम मंदिर सहित भुवनेश्वर विभिन्न मंदिर जो रही धर्मानुष्ठान रही सेगुड़ी खोल जाए केवल अपेक्षा लिंगराज मंदिर को लिंगराज मंदिर के खोल तार अपेक्षा आपड़ जहाँ देखिपे सका सका आज राम मंदिर खोल जाए लोक मित्रे गोटे उत्साह देखा मिलूँ पखापाखि 4 मास पर राम मंदिर खोली 4 मास पर लोक मैंने आज भगवान सानिध्य लाभ करें जी कहपर कि लोक मनरे गोटे खुशी देखा मिलूँ लोक मैंने बहुत खुशी अच्छा एत दिन पर मंदिर खोली से भगवान दर्शन करें भक्त आम सहित अच्छा आम तर प्रतिक्रिया ना कौन कह आज 4 मास पर मंदिर खोली के बहुत खुशी एकदम बहुत दूर भी आसी सोनपुर आसी भगवान को दर्शन करने बहुत खुशी लगुच आज मंदिर खोली से आसली आम पटे पाखे कंपानी भी अच्छे भिजिट आम बहुत हाँ नहीं 4 मास पर मंदिर खोली खुशी लगुच कोविड गाइडलाइन बहुत बहुत खुशी लगुच धन्यवाद प्रशासन को मध्य से भी आम कोविड गाइडलाइन भितर मंदिर खोली बहुत बहुत धन्यवाद
ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଚାରି ମାସ ପରେ ସେମାନେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା 40 ଜଣଙ୍କୁ ବା 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛି, କେବଳ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଏବଂ ଇଏ ଥିଲା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଚିତ୍ର, ଯେ ଯଦିଓ ସେତିକି ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ତେଣୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ମାନି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁମ ରିପୋର୍ଟର। ସିଧାସଳଖ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ସବୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ଅପ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବା ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ଯାହା ଆମେ ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ଡେଙ୍ଗୁ ସ୍ଥିତି। ବିଏମ୍ସିର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସୁନି ଡେଙ୍ଗୁ। ରାଜଧାନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ 2000 ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 58 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1730 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୈନିକ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଡେଙ୍ଗୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶଙ୍କଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀକୁ ମାଡ଼ି ସାରିଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ହେଲେ ବିଏମ୍ସିର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଆଉ କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ସାଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ଉପରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଜିନ୍ଦଲର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ନାଁରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି ହଡ଼ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା। କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। କମ୍ପାନୀର ଦଲାଲ ସାଜି ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ଆଉ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ବ୍ଲକରୁ। ଜିନ୍ଦଲର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ। ଗାଁ ଗାଁରେ ହେଉଛି ସଭା ଆଉ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ନେତା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ସାର୍, ଆମର ଜମି ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଘର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି। ଆମେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଆମେ କେଉଁଠି ଯିବୁ? ଏବେ ଜମି ଦେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଜମି ମିଳିବନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ ଆମ ତ ଜମି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ଆମେ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଯେଉଁ ହେରିଙ୍ଗଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ହେବାକୁ ଦେବୁନି, ଆମେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନ ତ କିଛି କାମର ନାହିଁ, ଯାହାର ପଇସା ତାହାର ପ୍ରଶାସନ। କ'ଣ କହିବି, ଆମେ ଅଛୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ତ ସରକାର ବି ତାର କାନଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଜିନ୍ଦଲର ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରେ ଯୋଜନା କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ମାଇନ୍ସ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ହେଲେ ଜମି ହରାଇବେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗାଁର ଲୋକେ, ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାସଚ୍ୟୁତ, ହଜାର ହଜାର ଚାଷ ଜମି ବର୍ବାଦ ହେବ, ସେଠି ଆଉ ଫଳିବନି ସୁନାର ଫସଲ, ଧୂଳି ଧୂଆଁରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆଖପାଖର ବାତାବରଣ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ଏଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମରିବୁ ପଛି ଆମ ସୁନାର ଜମି ଆମ ମାଟିମାକୁ ଆମେ କାହାକୁ ଦେବୁନି। ହଁ, ଆମର ଜମି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମର ଆମେ ତ ଜମି ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଟୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜମି ଜାଗାକୁ ଆଉ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ବିକାଶ ନାଁରେ ଏମାନେ ଆମ ଜମିଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରା ପୁରା ବର୍ବାଦ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମସଭା ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରାମସଭା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ପଚରାଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ବିକାଶଟି, ଯେଉଁ ବିକାଶଟି ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖାରିଜ କରିଦେଲେ ଏ କଥାଟି। ସେ ଖାରିଜ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରାମସଭାରେ ମାନେ ପାରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରିତ କପିକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ଦିଆ ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ପୁଣି ଆଉ ଇଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 23 ତାରିଖ ଆଉ 25 ତାରିଖ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଇଏ ହିୟରିଂ ହେବ। କି କଥାଟି ଏଇଟା, ମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ତାଙ୍କର। ତେବେ
प्रश्न उठुछि आदिवासी को उन्नति कथा चिंता करथुवा सरकार एवं सरकारी अधिकारी केउ स्वार्थरे घरोई कंपनी को जमी हड़प योजना रे सहायता करछन्ति। जमी हरैबे 15 रु अधिक ग्रामवासी बर्बाद हब शह शह एकर चाष जमी सेठी आउ फलिबनी सुनार फसल। माइन्स एक्सपेनसन ना रे जिंदल कुत्रा ब्लॉक रो पखापाखि 15 गाँवर लोकंर जमी अधिग्रहण करने को जाने पब्लिक हियरिंग जहाँ विरोध कर मेली बांधुंट ग्रामवासी तेज ए विषय में सुंदरगढ़ जिलापाल कि अन्न्य जो प्रशासनिक अधिकारी रही प्रतिक्रिया नाक आम चाहूँ किंतु कहीं ए विषय में मुह खोलना जहाँ को नहीं प्रशासनिक अधिकारी कार्यकलाप प्रति सन्देह सृष्टि। सुंदरगढ़ कुत्रा ब्लक रु कैमरा पर्सन रविदास का सह अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज। आसंता 25 तारीख रो राज्य विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही। 25 तारीख में मयूरभंज केउंछर बालेश्वर भद्रक जाजपुर विभिन्न स्थान में वज्रपात सांगक वर्षा होगा नहीं पाणीपाग विभाग आकलन करछि। एने उक्त जिलागुडी को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेपरी गत 24 घंटा में कोरापुट लमतापुट में सर्वाधिक 72.4 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एवं दारीबाड़ी में सर्वनिम्न 8 मिलीमीटर वर्षा होता पाणीपाग विभाग सूचना देछि। दिनक परे आरंभ हो टोकियो पाराओलंपिक उद्घाटन उत्सव में जोगदेवे भारत 5 खिलाड़ी सहित 6 अधिकारी। चलित थर टोकियो पाराओलंपिक 54 जनिया भारतीय दल भाग ने 40 जन पुरुष 14 जन महिला क्रीड़ाविद रही। वर्तमान सुधा 2 पर्यायर किसी खिलाड़ी टोकियो में पहुंची सारिता बेले शेष पर्यायर बाकी खिलाड़ी आज टोकियो में पहुंचे जमापड़े। तेज चलित थर पाराओलंपिक क्लब थ्रो विभाग में धरमवीर नैन, डिस्कस थ्रो रे विनोद कुमार, लंग जंप रे रामपाल, हाई जंप रे मारायापान थांगा भालू का प्रदर्शन उपरे समस्त नजर रहा। अन्य मध्य बैडमिंटन रे ओडिया खिलाड़ी प्रमोद भगत, भारोत्तोलन जयदीप देशवाल और बंधुक चरण में मनीष नरवाल भल प्रदर्शन करेंगे भारतीय क्रीड़ाविद आशा रही। संस्कृत भाषा को देशर राष्ट्रीय भाषा करने को चाहूँ आंबेडकर आ संस्कृत भाषा को से खूब भल पाते से जाते जे संस्कृत को राष्ट्रभाषा कले विभिन्न भारतीय भाषा मध्य बद दूर हो। कांग्रेस नेता मानक विरोध कारण संस्कृत राष्ट्रभाषार मान्यता पाई ना वर्तमान संस्कृत सप्ताह पालन हो। आंबेडकर संस्कृत भाषा प्रति गभीर प्रेम थिला किंतु से तथा कथित अपृष्य वर्गर जन्म नहीं कारण संस्कृत पढ़ा दि जा ना संस्कृत में पारंगम होगाकूर प्रबल इच्छा थिला। परवर्ती समय रे से निज चेष्टा रे संस्कृत शिखिथिले। संस्कृतर अपार ज्ञान भंडार और तत्कृष्ट साहित्य संपर्क भल ज्ञान थिला। डॉक्टर आंबेडकर संस्कृत शिखिबा इच्छा संपर्क तांको जीवनी लेखक धनंजय कराव उल्लेख करिछंती। बाबा साहेब अनेक थर कहिथिले जे संस्कृत भाषा अभिमान थिबा कारणरु तांको संस्कृत भाषा भल भाबरे आसीबा दरकार एही अभिलाष तांकर रहिथिला। तेबे देखिबाकु पड़िबो एही सुदिन केबे आसीबो। खूब कम लोकंकु जणा जे संविधान समिति रे जातीय भाषा और राज्य व्यवहार पई अधिकृत भाषा सहित संपर्कित अनुच्छेद संस्कृत को जातीय और राज्य व्यवहार भाषा भाव रखा पई सुपारिश करा जो मैंने एभली सुपारिश करते से लक्ष्मीकांत मैत्री, टीटी कृष्णमाचारी, डॉक्टर बालकृष्ण केसकर, प्रोफेसर नजीरुद्दीन अहमद, डॉक्टर आंबेडकर तथा माड्रास, त्रिपुरा, मणिपुर, कुर्कु प्रांतर सदस्य माने थिले। जेतबेले ए संपर्क रे सांबादिक माने डॉक्टर आंबेडकर को ए संपर्क रे पचारिथिले सेतबेले से पालटा प्रश्न कहिथिले संस्कृत रे कोन दोष रहिछि। जेतबेले प्रोफेसर नजीरुद्दीन कहिथिले जे डब्ल्यू सी टेलर, मैक्स मुलर, विलियम जोन्स परी पाश्चात्य विद्वान मानकु उर्दूत करी संस्कृत भाषार अतुलनीय समृद्धि और शुद्धता संपर्क रे कहि एहा लाटिन और ग्रीक भाषा ठारु केते श्रेष्ठ ता प्रमाण देइथिले। ए अवसर रे लक्ष्मीकांत मैत्र एही संशोधन को जोरदार समर्थन करी आउ एक प्रसंग उठाइथिले।
से कहते जे हिंदी भली कौनसी वैशिष्ट राज्यर भाषा को जातीय भाषार मान्यता प्रदान कले अन्य राज्य मानक मध्यरे जो संदेह और कटुता तैयारी हेबार आशंका रही संस्कृत को ता स्थान रखिले उक्त संदेह और कटुता को दूर करा जाई पारिबो। संस्कृत को तार उपयुक्त मान्यता दे आमे विश्व को जणाई दे पारिबा जे आमे आमर अतीतर वैभव को केते आदर और सम्मान करूछु एवं समग्र विश्व को आम प्राचीन संस्कृतिर आध्यात्मिक बार्ता प्रदान पई इच्छा करूछु। संस्कृत को स्वीकार करी आमे भावी पीढ़ीर उज्जवल भविष्य निर्माण करी पारिबा। मात्र दुर्भाग्यर विषय जे डॉक्टर आंबेडकर द्वारा संस्कृत भाषा संपर्क रे अणा जाइथिबा संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार करा जाय नथिला। संस्कृत भाषा केवल अष्टम अनुसूची रे केवल एक भारतीय भाषार मान्यता दिया जायथिला। डॉक्टर आंबेडकर को इच्छा थिला जे संस्कृत को राष्ट्रभाषा करिबा विषय रे 10 डिसेंबर 1949 रे तांकर संगठन सेतकारी कामगार संगठनर कार्यकारी मंडल रे एक प्रस्ताव गृहीत करा जाउ, किंतु सेतबेले बीपी मौर्यंक परि युव सदस्यक विरोध कारणरु एहा संभव होई पारि नथिला। एही घटनार दीर्घ दिन परे बीपी मौर्य दुख प्रकट करी कहिथिले जे सेतबेले से डॉक्टर आंबेडकरक संस्कृत भाषा संपर्कित प्रस्ताव रे बिना कोनोसी कारण रे विरोध करिथिले। डॉक्टर आंबेडकरक स्पष्ट मत थिला जे संस्कृत को राजभाषा भाबे देशर कोनोसी भाषाभाषी लोक माने एहाकु विरोध करिवे नाही तथा एहा देशकु एक करिवारे सफल हेबो। एबे एहा भिन्न विषय जे तांकर एही प्रयास सफल होइ नथिला। ब्युरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरिछु बुलेटिन को इरसारुछु पते विदा दियंतु। नमस्कार।